अगली खबर है ग्वालियर से, जहां नोएडा के ट्विन टावर्स की तर्ज पर ही एक भवन को ढहाया गया। यह भवन से एयरपोर्ट की हवाई पट्टी नजर आ रही थी, जिससे एयरपोर्ट के लिए खतरा बन गया था। यह भवन को ढहाने की कार्यवाही जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम ने की है। इस भवन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में ने चिन्हित किया था। इसके बाद से ही यह भवन प्रशासन व निगम ने इस भवन को अपने टारगेट पर लिया था। घटनाक्रम के मुताबिक 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर में कूनो में अफ्रीकी चीतों को छोड़ने के लिए आए थे। महाराजपुरा एयरपोर्ट पर उतरे थे। उनके आगमन से पहले उनकी सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। इसी दौरान एयरपोर्ट के पास उन्हें भवन नजर आया। जब SPG की सुरक्षा टीम ने भवन का जायजा लिया तो वहां से एयरपोर्ट की हवाई पट्टी, खास तौर से एयरफोर्स की हवाई पट्टी नजर आ रही थी। ऐसे में SPG को आशंका थी कि यह भवन एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तभी SPG की टीम ने जिला प्रशासन को हटाने का सुझाव दिया था। इसके बाद से ही प्रशासन व नगर निगम के टारगेट पर यह भवन आ गया था। ट्विन टावर्स की तर्ज पर भवन को ढहाया गया। प्रशासन व नगर निगम ने भवन को ढहाने की कागजी औपचारिकता को पहले ही पूरा कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह प्रशासन व नगर निगम की टीम भवन पर पहुंची। भवन को नोएडा के ट्विन टावर्स की तर्ज पर ही ढहाया गया। महज कुछ ही सेकंड में भवन जमीन पर आ गया। इस दौरान आसपास भी कोई क्षति नहीं पहुंची। हालांकि मौके पर विरोध को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। हालांकि किसी ने विरोध नहीं किया। मौके पर सैकड़ों की भीड़ भी एकत्रित हो गई थी। यही है।